टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर आपको बता दें कि संगम नगरी में कुंभ में आए श्रद्धालुओं की सहायता को लेकर दिनांक 9 जनवरी 2019 को सिविल डिफेंस पर संयुक्त बैठक आईसीयू रसीद सगीर के निवास स्थान सरारा बाग पर हुई, जहां मेंबर ने अपनी बात और समस्या अधिकारियों के सामने रखी, जिसमें उपस्थित आईपीएस दीपक भट्ट, स्टाफ अधिकारी मुकेश श्रीवास्तव, मंडल वार्डन सुधीर सक्सेना, एसओ धर्मेंद्र निषाद, डीआईपी, डीआईबी वार्डन हेमंत अवस्थी, तौफीक जफर खान पप्पू, शादाब रशीद, शाहबज रशीद, मंसूर अहमद, वीरेंद्र पाल पप्पू, इंजमामुल हक, अभिषेक समाज सेवी, श्याम सर, मैं धर्मेंद्र कुमार निषाद, स्टाफ ऑफिसर सिविल डिफेंस चौक प्रखंड, और मैं मास्टर ट्रेनर और एनडीआरएफ की ट्रेनिंग से भी ट्रेंड हूँ। आज चौक प्रखंड की यहाँ मीटिंग है और इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो मेला, कुंभ मेला लग रहा है, जिसमें करोड़ों लोग आ रहे हैं, आए हुए अतिथियों का हम स्वागत कैसे करेंगे, हमारा उनके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा, हम उनको अपने क्षेत्र की जानकारी, हम उनको हमारे यहाँ कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, कौन सी मंदिरें हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कि अगर वो पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, तो हमें होटलों की जानकारी, धर्मशालाओं की जानकारी, हम किस साधन से कब कैसे पहुँचें, तो इन सब बातों की जानकारी हम अपने वार्डनों को दे रहे हैं कि आए हुए अतिथियों को हम कैसे उनको बता सकें कि हमें उनकी क्या सेवा कैसे करनी है। ये नहीं, हम डेली बेस पे नहीं हैं, हम लोगों का कार्य जो है अवैतनिक हैं हम लोग, और हमेशा अवैतनिक के रूप में ही कार्य किया गया है। हमारे नियंत्रक श्री जिलाधिकारी महोदय का निर्देश जहाँ भी होता है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, एसएसपी महोदय का जहाँ निर्देश होता है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, उस कार में हाथ बटाते हैं। ये हमारे यहाँ इस कुंभ में डेली हमारे वार्डन रहेंगे, चेंज हो के हमारे यहाँ 5 प्रखंड की व्यवस्था है, तो आज इस चौक प्रखंड, कल लुकरगंज, परसों नैनी, इस तरह से जो है 5 प्रखंड अपनी ड्यूटी निभाएगा, लेकिन पर्व के दिन सारे वार्डन हमारे लगेंगे, एक दिन पहले ही रात को लग जाएंगे और अपनी ड्यूटी जो है निभाएंगे वो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब